तो हम आगे के रेड पॉइंट के इस वीडियो लेक्चर्स में सीबीएसई क्लास 8 की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सीरीज में ज्योग्राफी के चैप्टर 2 जो है लैंड सॉइल एंड वाटर चैप्टर में आज हम इसके थर्ड पार्ट में वाटर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाटर के पहले वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट लैंड एंड सॉइल। तो लैंड में लैंड यूज क्या है, लैंड क्या है एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाई देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑलरेडी वी डिस्कस देयर एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। तो आज इसी चैप्टर के जो थर्ड सब टॉपिक वाटर विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आज इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वाटर, वी ऑल नो अबाउट वाटर दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड इट इज अ वेरी प्रीशियस वन। पानी जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जल भी जीवन है, वाटर इज लाइफ। सो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द वाटर इज दैट इट इज अ वेरी वाइटल बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। क्यों ये रिन्यूएबल रिसोर्स है? तो रिन्यूएबल इसलिए है क्योंकि पानी जो है हमारे अर्थ में आपको कहीं से भी, केवल अगर आप अंतरिक्ष में जाए, स्पेस में जाए, आपको अर्थ पूरी नीली नजर आती। क्यों? क्योंकि यहाँ अर्थ पूरा पानी से भरा है एंड दैट इज द 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। हमारी पृथ्वी का जो है 3/4 पार्ट जो है ये पूरा पार्ट जो है पानी से कवर है, केवल एक पार्ट विच इज द लैंड। तो ये अर्थ जो है हमारा स्पेस से ब्लू नजर आता है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अर्थ ही केवल ऐसी प्लैनेट है अब तक जिसमें केवल पानी है, और जहां पानी है वहीं जीवन है। सो द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट। तो यहां पे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके रखना है, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट, अर्थ को हम वाटर प्लैनेट क्यों कहते हैं। ये हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लाइफ बिगेन, लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन इयर्स अगो। सो हाउ मेनी इयर्स अगो लाइफ बिगेन इन द अर्थ? तो अर्थ में जो लाइफ शुरू हुआ था दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 3.5 बिलियन इयर्स अगो। आज से 3.5 बिलियन इयर्स अगो लाइफ शुरू हुई थी, और लेकिन जिस समय इस पृथ्वी पर लाइफ शुरू हुआ था, अर्थ में लाइफ शुरू हुआ था, उस समय भी जो पानी की जो क्वांटिटी थी वो सेम थी जो आज की प्रेजेंट टाइम पे है। यानी 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ, 3/4 अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर इन अराउंड 3.5 बिलियन इयर्स अगो एंड एट प्रेजेंट बोथ द थिंग्स आर सेम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो 3/4 पार्ट जो है अर्थ सरफेस व्हिच इज कवर्ड विद वाटर, इसका ज्यादा से ज्यादा पानी कौन से जगह पे है? एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो ओशन में है, सी में है, और मोस्ट जो इसमें जो फीचर निकल कर आता है ओशन वाटर इज सलाइन। यानी ज्यादा से ज्यादा पानी जो है जो हम पी नहीं सकते हैं वो पानी ओशन में। क्यों नहीं पी सकते? बिकॉज ओशन वाटर इज सलाइन। सलाइन वाटर में ना ही हम पी सकते हैं और ना ही ये फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन और ना ही ये पेड़ लगाने के लिए भी जो है सही है। तो इसलिए अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो ओशन में है और ओशन वाटर को हम यूज नहीं कर सकते, तो कितना परसेंट वाटर जो है फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज करते हैं? तो जो 100% अगर मान लेते हैं कि अर्थ का 100% वाटर, तो इस 100 का केवल 2.7% जो है अबाउट 2.7% वाटर इज ओनली फ्रेश वाटर। तो कितने परसेंट वाटर जो है दैट इज फ्रेश वाटर? इट इज 2.7% वाटर विच इज द फ्रेश वाटर। और इस 2.7% का जो 70% है, सो द 70% ऑफ दिस फ्रेश वाटर ऑकर्स एज आइसीज एंड ग्लेशियर्स। तो 70% जो है आइसीज और ग्लेशियर्स के रूप में है, और ये ग्लेशियर्स कहाँ पर है? एंटार्क्टिका में है, ग्रीनलैंड में है, और इसके अलावा जो है
डिफरेंट माउंटेन्स, जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत जो बर्फ से ढका हुआ है, इस तरह से दूसरे जितने भी वर्ल्ड के माउंटेन्स है, माउंट एल्प्स है, एवरेस्ट है, इन माउंटेन्स में भी ये पानी जमा है आइसी ग्लेशियर्स के रूप में। तो कितना परसेंट पानी, अब 70% तो निकल गया, बट नाउ ओनली 1% अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी जो फ्रेश वाटर 2.7%, नॉट फुल्ली 3% भी नहीं, केवल 2.7% फ्रेश वाटर है, और इस फ्रेश वाटर का भी 70% जो है आपका कहां पर है, आइसीज में है, ग्लेशियर्स में है, तो केवल बच जाता है हमारे पास केवल 1% वाटर जो हमारी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मैडम क्यों नहीं हम आइसीज और ग्लेशियर्स के वाटर को यूज कर सकते हैं, तो आप ही सोचिए क्या इन्हें मेल्ट कर पाना इतना आसान है, और क्या ये एक्सेसिबल है, हम उस जगह पे जा सकते हैं, क्या अंटार्कटिका में हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्या हम जाकर माउंट एवरेस्ट में अपना घर बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। आपको पता है कि लद्दाख विच इज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, क्या हम लद्दाख में ज्यादा से ज्यादा जाके रह सकते हैं, नहीं, क्योंकि जो वहाँ की क्लाइमेट है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स, वहाँ की क्लाइमेट जहाँ पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है, ऐसे जगह पे जाकर के हम रह नहीं सकते, तो वहाँ पर यूज वहाँ के जो बर्फ जो जमे हुए आइसी से ग्लेशियर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास जो पानी बच जाता है रिवर्स में, लेक्स में, केवल हम उसी को अपनी कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। And that's why, अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि why fresh water most precious substance on the earth? तो why fresh water is known as the most precious substance on the earth? तो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि why fresh water is the most precious substance on the earth? Because ocean water is saline and it is not good for human consumption and 97% water that is saline and it is there in the ocean. And how much percent water, fresh water is available? That is about 2.7% fresh water is available. But among these, up is 2.7% में से भी 70% आपका चला जाता है आइसीज और ग्लेशियर्स के रूप में, तो केवल आपके पास अब रह जाता है about only 1% available water and this is fit for human cultivation. Human consumption. And now the next subtopic is what? This is about uses of water. So uses of water is what? Uses of water यानी हम पानी का कहाँ कहाँ use करते हैं. So we use water in agriculture. हम पानी का use कहाँ करते हैं? Agricultural activities में हम पानी को use करते हैं. Industries में पानी को use करते हैं. Generating electricity, electricity को generate करने के लिए हम पानी को use करते हैं. या इसके अलावा जितने भी human activities, other activities, human activities से related हैं, उन सब में हम पानी को use करते हैं. Now, the next subtopic is what? That is the major factors leading to the shortages of water. So, what are the major factors that lead to the shortages of water? You all know that the most important factor is increasing population. तो population जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों के consumptions के लिए पानी भी उतना ही चाहिए, लोगों के use के लिए पानी उतना ही चाहिए, तो obviously this is the leading particular factor which lead to the shortages of water. On the other hand, urbanization. जितना ज़्यादा शहर बन रहा है, शहर develop हो रहे, urbanization हो रहा है, लोगों की needs ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, और आपको अच्छे से पता है कि जो गांव में लोग रहते हैं, rural areas में जो लोग रहते हैं, वो पानी की उतनी use नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा waste नहीं करते हैं, जितने urban areas में रहने वाले लोग पानी को waste करते हैं. Even slums में भी रहने वाले को bucket में पानी मिलता है, नल में सुबह एक बार, शाम को एक बार, बारिश एक बार पानी मिलता है, और केवल उतने ही पानी को उनको यूज करना पड़ता है. लेकिन दूसरी तरफ जो फ्लैट्स में रहते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, पानी भरी रहती है, जितनी मर्जी चाहे उसको यूज करते हैं और वेस्ट करते हैं. तो अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच लीडिंग टू द शॉर्टेजेस ऑफ वाटर. द थर्ड इम्पोर्टेंट मेजर फैक्टर दैट इज राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप. तो जो फूड एंड कैश क्रॉप्स की जो राइजिंग डिमांड्स है, इट ऑल्सो लीड टू द शॉर्टेजेस ऑफ वाटर. इसके अलावा द अदर प्रॉब्लम दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो लोगों की जो लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितनी ज्यादा डेवलप हो रही है, पानी की यूज भी लोग उतने ही ज्यादा कर रहे हैं. सो व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू द शॉर्टेजेस ऑफ वाटर? द मेजर फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन, थर्ड राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स,
and the other factors are the standard of living of the human being. तो यानी लोगों के रहने रहन सहन और उनका स्टैंडर्ड जितना इंप्रूव कर रहा है उतना ज्यादा ही पानी भी यूज हो रहा है. एंड ऑब्वियसली दिस लीड टू व्हाट, दिस लीड टू स्केयरसिटी ऑफ वाटर. तो ये सारी चीज जो है पानी की कमी को लीड कर रही है. आज पानी की कमी से पूरी दुनिया जूझ रही है, चाहे वो अफ्रीका हो, वेस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, पार्ट ऑफ वेस्ट यूएसए हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहां पर आज पानी की कमी है. फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है. हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे पृथ्वी पे पानी कम हो रहा है, हमारे पृथ्वी पर पानी जितना है उतना ही है, पानी डिफरेंट फॉर्म में है. आपने क्लास 7 में यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर साइकिल कि पानी जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में है, वाटर वेपर के रूप में है, आइस शीट्स के रूप में है, सलाइन वाटर के रूप में है, फ्रेश वाटर के रूप में है, इन सब रूप में पानी है जो आपको अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में नजर आते हैं. लेकिन फिर भी पानी की कमी है. और कौन से पानी की कमी है? दैट इज द शॉर्टेजेस ऑफ फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर की कमी होती जा रही है. एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच लीड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज द वाटर पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड वाटर पॉल्यूशन. तो कॉजेस क्या क्या है वाटर पॉल्यूशन के? द इम्पॉर्टेंट कॉजेस वर, ये जो ह्यूमन बींग अपने पर्पस के लिए पानी को यूज करते हैं, वेस्ट कर रहे हैं और उसको गंदगी में फेंक रहे हैं, तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और जितनी इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट है वो भी पानी में जा रहा है, फ्रेश वाटर में जा रहा है, हम नदी में उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं और इसके वजह से नदी का पानी जो है वो गंदा होता जा रहा है. हम अपने कल्चर को तो सेव कर रहे हैं लेकिन पानी को सेव नहीं कर पा रहे हैं. हम पानी में जा कर के जो है अपने पुराने कल्चर के हिसाब से उसमें नहा रहे हैं, बाथिंग, और उसके अलावा उसमें बर्तन धोना, उसमें जानवरों को नहलाना, ये सब सारी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं जिसकी वजह से पानी गंदा होता चला जाता है, पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है. और स्पेशली द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और अर्बनाइजेशन, इन सब की वजह से जो है क्या है कि पानी जो है वो गंदा होता चला जा रहा है. एंड तो अब इस वजह से अगर पानी गंदा हो जाएगा, वाटर ही फ्रेश वाटर ही पॉल्यूट हो जाएगी, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? आपको अच्छे से पता है कि किस तरह से यमुना नदी जो है, जो कितनी निर्मल पानी थी, आज वो यमुना नदी काली हो गई है. क्यों काली हो गई? क्योंकि उसमें पानी ही नहीं है. उसमें जो पानी है वो तो गंदगी है, वो तो वेस्ट है, वो तो वेस्ट जो हम यूज कर रहे हैं, सारे वेस्ट है, सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है. उन सारे वेस्ट की वजह से पूरे पानी का जो फ्रेश वाटर है, जो फ्रेश वाटर हमें पहले मिलता था पीने के लिए, जो हमारी जीवन थी, आज उसी पानी को पी करके हम तरह तरह के वी आर सफरिंग विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज एंड स्पेशली डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कैंसर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस वाटर पॉल्यूशन. So now, what is the need? What will be the next step? That is the next step is that how to conserve water. हम पानी को कैसे conserve करेंगे? अब ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने बैठ करके आ रहा है, सामने आ रहा है. So सबसे important इसमें भी है कि पानी को conserve करना है तो afforestation भी करना है, हमें पेड़ भी लगाना है, क्योंकि पेड़ है तो बारिश होगी और rain water is a fresh water. और इसके साथ साथ water harvesting को develop करना है. Canal should be properly linked. जितने भी कैनल से उनको प्रॉपरली लिंक करना है ताकि पानी के वेस्टेजेस ना हो. इसके अलावा जो इरिगेशन मेथड है, स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड्स को हमें यूज करना है ताकि वाटर के वेस्टेजेस कम कर पाए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर. एक बार हम रिकैपिटुलेट करते हैं इस टॉपिक को. व्हाट इज अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स? दैट इज द वाटर. एंड कितना परसेंट अर्थ कवरेज जो है, अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, दैट इज द 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. And the earth is called water planet. And life began almost how many years around? That is 3.5 billion years ago life began in the earth. And saline water, that is the ocean water, which is saline water. And is it fit for human consumption? So, yahan question ban sakta hai aapka 1 marks mein. Why ocean water is not fit for human consumption? So, why ocean water is not fit for human consumption? Try to give the answer yourself. So, what is the percentage of fresh water? It is about 2.7%. And 70% of the fresh water is available where? It is in ice sheets and glaciers. And why we will not be able to use this water? Because these places are inaccessible. We can't access to these places. And
That's right. Why fresh water is the most precious substance on the earth? Give the answer yourself. And what are the uses of water? Major the factors. So major factors that leading to the shortages of water. And why do there is the scarcity of water? Why there is the scarcity of water? And what are the causes behind water pollution? And what are the different measures by which we will be able to conserve water? So these are the different questions you have to answer yourself. So that's all for this video lecture. Thank you for watching this video.